भारी बारिश के कारण डायवर्सन क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसमें रांची चतरा मार्ग NH22 में वाहनों का लंबा जाम लगा हुआ है। कई वाहन चालक जान जोखिम में डालकर वाहन पार कर रहे हैं। लातेहार जिले के बालूमाथ चतरा मार्ग पर गोनिया डायवर्सन के वाहनों में लंबी कतार लग गई है। ठेकेदार की लापरवाही से 4 वर्षों से लंबित है निर्माणाधीन पुल, जिसका खामियाजा उठा रहे हैं ये लोग। बारिश के कारण छोटी वाहनों का भी आवागमन पूरी तरह से नहीं हो पा रहा, जिससे काफ़ी लोग परेशान हैं। यह मामला बालूमाथ थाना क्षेत्र के गोनिया का है। बारिश को लेकर उपायुक्त महोदय के आदेश के अनुसार आज विभिन्न गिरिडीह के विभिन्न स्थानों में कोचिंग इंस्टीट्यूट स्कूल में छापा मारा गया। कुछ शिकायत आ गई थी कि कुछ इंस्टीट्यूट और कुछ स्कूल खुले हुए हैं, लेकिन अभी इस दौरान पाया गया कि सब स्कूल और कॉलेज सब बंद हैं। और कुछ मॉल में भी साफ़ सफाई को लेकर अभी हम लोग जो विजिट किए उसमें देखे कि मॉल का सफाई वगैरह सब कुछ ठीक है, सैनिटाइजर वगैरह है, सफाई भी 4-5 बार हो रहा है, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। और दूसरा कि कहा जा रहा है कि कम से कम सफाई रखें और 50 से ज़्यादा गैदरिंग नहीं हो, इस कारण कोरोना वायरस।